भारत दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बना, सबसे आगे हिंदुस्तानी। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 में खुलासा। तो हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में चीन को पछाड़। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन की रिपोर्ट में 2023 में खुलासा। तो हेलो फ्रेंड, इसके बारे में आगे जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें एंड लास्ट तक बने रहें। भारत दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 में खुलासा हुआ है कि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की जनसंख्या में 1.5% की बढ़ोतरी हुई है। अनुमान के मुताबिक चीन की 142.5 करोड़ की तुलना में भारत की आबादी बढ़कर 142.8 करोड़ हो गई है। चीन की तुलना में भारत की आबादी करीब 30 लाख अधिक है। रिपोर्ट में फरवरी 2023 तक के आंकड़ों को शामिल किया गया है। 25% आबादी की उम्र 14 साल तक। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 25% आबादी की उम्र 14 साल तक है। वहीं 10 से 19 साल के लोगों की भागीदारी 18, जबकि 10 से 24 वर्ष के लोगों की संख्या 26% है। 15 से 64 साल के बीच लोगों की जनसंख्या में भागीदारी कुल 68% है। रिपोर्ट की माने तो चीन की तुलना में भारत में युवाओं की आबादी ज़्यादा है। चीन में करीब 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 65 साल से अधिक है। पिछड़ने पर चीन बिखरा। दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देशों की सूची में पिछड़ने के बाद चीन बिखर गया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग बेनबिन ने कहा कि जनसंख्या के साथ हुनर भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि चीन में कामगारों की संख्या 90 करोड़ से अधिक है। चीन का दावा है कि वे अपने अच्छे कामगारों की बदौलत दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ता रहेगा। बता दें कि पिछले साल चीन की जनसंख्या में 6 दशक में पहली बार गिरावट देखी गई थी। महिलाओं की जीवन प्रत्याशा अधिक। भारत में प्रजनन दर 2.0% है। वहीं जीवन पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा ज़्यादा पाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार देश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष जबकि महिलाओं की 74 वर्ष है। UNFPA की प्रतिनिधि एंड्रिया वोजनार का कहना है कि भारत की 140 करोड़ आबादी 1.46 करोड़ मौके के बराबर है। उन्होंने कहा कि भारत शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मजबूत होगा। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 में खुलासा। दो देशों में एक तिहाई जनसंख्या दुनिया की कुल 804.5 करोड़ आबादी में से एक तिहाई आबादी अकेले भारत और चीन में रहती है। 30 लाख ज़्यादा जनसंख्या है भारत की चीन की तुलना में। 800 करोड़ से अधिक पूरी दुनिया की आबादी। रिपोर्ट में फरवरी 2023 तक के आंकड़े शामिल। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के 5 मायने। नंबर 1, एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 20% आबादी। यूरोप और अफ्रीका या अमेरिका की जनसंख्या से ज़्यादा आबादी। 2050 तक भारत की आबादी 166.8 2050 तक भारत की आबादी 166.8 करोड़ से अधिक होगी। आधी आबादी 30 साल से कम है, जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनेगी। कृषि प्रधान भारत हर क्षेत्र में दुनिया भर में अपना लोहा मनवाने की राह पर अग्रसर होगा। कामगार आबादी बनेगी ताकत। नंबर 1, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कामगारों की संख्या वर्ष 2018-19 में 19.7% थी, जो 2020-21 में बढ़कर 27.7% हो गई थी। नंबर 2, भारत में करीब 50 करोड़ कामगार है। 15 साल से अधिक उम्र के कामगारों को शामिल करने पर यह आंकड़ा 100 करोड़ से अधिक है। नंबर 3, देश की तकनीकी कंपनियों में 54 लाख लोग काम कर रहे हैं। 2.90 लाख लोगों को इन कंपनियों में नौकरी वर्ष 2022-23 में मिली है। नंबर 4, मार्च तिमाही में रोजगार दर 36.9% थी, दिसंबर में 36.6% थी। पिछली 3 तिमाही में 1.5 करोड़ नए कामगार जुड़े हैं। नंबर 5, भारत दक्ष कामगारों की बदौलत वर्ष 2030 तक $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा। हर क्षेत्र में तेजी देखने को मिलेगी। तो थैंक यू फ्रेंड वीडियो को पूरी तरह सुनने के लिए और वीडियो में बने रहने